रही है भोपाल से दिग्विजय सिंह की तरफ से दाखिल परिवाद पर सुनवाई है। कोर्ट पहुंचे हैं कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। व्यापम केस में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने परिवाद दाखिल किया था जिस पर सुनवाई है आज। भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में यह सुनवाई है। कोर्ट पहुंचे हैं कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से दिग्विजय सिंह की तरफ से दाखिल किए गए परिवाद पर सुनवाई है आज। कोर्ट पहुंचे हैं कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई है। व्यापम केस में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। उनका कहना है कि व्यापम घोटाले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता कमलनाथ पहुंचे हैं कोर्ट में। दिग्विजय सिंह ने जो परिवाद दाखिल किया है उसके ऊपर आज सुनवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। व्यापम केस में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने परिवाद पेश किया है जिसके ऊपर सुनवाई है। दिग्विजय सिंह की तरफ से कपिल सिब्बल रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। व्यापम केस में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। परिवाद पेश किया है उन्होंने, उस पर सुनवाई है। उनका कहना है कि व्यापम घोटाले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अदालत पहुंचे हैं और उनके साथ आप बता दें कपिल सिब्बल भी हैं, वो ही उनकी तरफ से पैरवी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। दिग्विजय सिंह की तरफ से दाखिल किए गए परिवाद पर सुनवाई है आज। भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी है। व्यापम केस में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई है। व्यापम केस में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। परिवाद दाखिल किया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से। कपिल सिब्बल भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो ही उनकी केस की पैरवी करेंगे, उनकी तरफ से बोलेंगे। वहीं पंखा भी उनकी तरफ से बोलेंगे। व्यापम केस में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। और हमारे संवाददाता सूरज पाठक भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सूरज, क्या अभी जानकारी मिल पा रही है? दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? दिग्विजय सिंह अभी जिला कोर्ट पहुंचे हैं और सुरेंद्र सिंह लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं और कोर्ट में कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कपिल सिब्बल भी वहां पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से पैरवी करेंगे कपिल सिब्बल। व्यापम मामले में परिवाद पेश किया है दिग्विजय सिंह ने जिसको लेकर आज सुनवाई है। उनका कहना था कि जो व्यापम घोटाला हुआ था उसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसको लेकर परिवाद पेश किया है दिग्विजय सिंह ने। और वो और साथ में कमलनाथ, कांग्रेसी नेता जो हैं, वो दोनों ही कोर्ट पहुंचे हैं। सूरज पाठक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सूरज, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी, अभी दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ विवेक तन्खा भी जिला कोर्ट पहुंचे हैं और अभी उनका अंदर बयान दर्ज हो रहा है।